ड्राइव हो रहा है सर्वे, कैश सर्वे को लेकर, इसके इसके सिलसिले में आपसे क्या क्या सवाल किए गए? वो पूरा नाम पूछ रहे, आपका क्या एजुकेशन है पूछ रहे, आप क्या करते पूछ रहे, सब डिटेल पूछ रहे, इनकम वगैरह सब पूछ रहे, और ये सब चीज़ के अलावा आपको गवर्नमेंट नौकरी है नहीं है पूछ रहे, प्राइवेट है क्या है सब चीज़ पूछ रहे, सालाना इनकम पूछ रहे, आपका कास्ट पूछ रहे, ये सब पूछ रहे। तो इस तरीके का सर्वे अगर सरकार अपनी तरफ से लाती है तो क्या फ़ायदा होता है पब्लिक के लिए? क्या ये अच्छा है या फिर इसको ये नहीं होना चाहिए? फ़ायदेमंद के लिए कर रहे तो ठीक है सबके लिए, खाली ऐसे ही इससे पहले KCR करे सरकार वैसे ही करके फिर बस रख दिए बाजू में ले आके, तो फ़ायदा नहीं है सब कुछ भी। तो क्या क्या लग रहा है कि क्या ये वेलफेयर स्कीम अगर लाना कैसा ठीक है आपके लिए? वेलफेयर स्कीम्स के लिए आ रहा तो ठीक है, जो भी डिटेल ले रहे कर रहे वेलफेयर स्कीम के लिए, सब जिसको मिलना चाहिए हक मिलना चाहिए मिला तो ठीक है। ये जो भी कैश सिस्टम है वो ओके रहा तो ठीक है, या नहीं बोले तो फिर वो उसका डिसएडवांटेजेस रहा तो प्रॉब्लम हो जाता। तो आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा? मेरे से क्या इन्फॉर्मेशन लिया बोले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और लैंड ओन लैंड है या नहीं है, और उसके अलावा आधार कार्ड नंबर्स, फ़ोन नंबर्स, पूरे जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स लिया गया, मगर वो करेक्ट यूज़ हुआ तो अच्छा रहेगा। वो फिर स्कीम्स वगैरह कुछ भी चेंज हुए या कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता। किसके वास्ते कर रहे कुछ बोल रहे भी नहीं वो लोग, जैसे राशन कार्ड के लिए हम सर्वे कर रहे वही बोल रहे, मगर ये जो कर रहे उसके क्या बेनिफिट्स है उन लोग कोई बोल रहे भी नहीं। तो क्या ये गवर्नमेंट करना चाहिए ऐसा सर? एक्चुअली करना है, एक्चुअली इससे पहले जो पिछला गवर्नमेंट था उन लोग भी सर्वे करें, वो किस लिए ये कर रहे क्या कर रहे अब तक तो उसका भी रिजल्ट्स नहीं आया, इसका क्या कर रहे बोल के भी अभी भी रिजल्ट्स क्या है बोल के कुछ जो सर्वे कर रहे उन लोग भी उन लोगों को नहीं मालूम हो रहा। ये जॉइंट में तेलंगाना मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर गारु, सर अबाउट दिस सर्वे, वन साइड द अपोजिशन क्रिटिसाइजिंग द अदर साइड गवर्नमेंट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, द प्रोग्राम इज स्टार्टेड ऑन नवंबर 9th or 6th एंड देन नाउ इट इज ऑन गोइंग, व्हाट डू यू हैव टू से? सर नाउ वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 30% सर्वे, गवर्नमेंट डूइंग डोर टू डोर सर्वे विद ए क्वेश्चनेयर एंड ए पब्लिक रेस्पॉन्स ऑल्सो देयर, दे नाउ एमिनेटर्स आर हियर, दे प्रैक्टिकली टेलिंग दे कंप्लीटेड द 26 हाउसेस, देर इज नो एनी रेसिस्टेंस, द ओनली opposition parties trying to disturb this process, but we all are government, government officers, legislators, public, even civil society member, journalists are all supporting this issue. This is a social cause. If once we got full information, we can make a good policy for them. Sir, one question that the residents and also the opposition is raising is, what is the purpose of collecting the data? There are several questions which are to be not answered by the residents, are not required, some personal questions as well. Opponent, which question is not proper question? Tell me. We are not asking bank account number, just asking you if you have bank account or not, and if you have land or not, other also option. What is there is a confidential which we are asking. What is the purpose of this particular? Public purpose is only thing, this if information we have a government, we can make a good policy. If they who and which community they are not getting a share in this government schemes, and we are promising, assuring no single scheme should not be cut for anybody, and we can give to all others who are eligible or not getting now.